नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि शक्ति का पर्व है। इस नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा का पूजन करने से, शक्ति का पूजन करने से, देवी का पूजन करने से वे प्रसन्न होती हैं और हमें अनेकों आशीर्वाद देती हैं। हमारे जीवन में चल रहे समस्त प्रकार के संकट नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि माता शक्ति के पूजन के लिए, महागौरी के पूजन के लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि शक्ति का पूजन ही शक्ति देता है। इसलिए नवरात्रि में शक्ति का पूजन आपके जीवन में आने वाली समस्त दुखों का नाश कर सकता है एवं आपको अनेक प्रकार के सुख दे सकता है। दोस्तों, इन नवरात्रि में अनेक लोग शक्ति पूजन के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, जिनसे जो जैसा कार्य करता है वो वैसा ही फल पाता है। इसलिए शक्ति इन दिनों अत्यंत प्रचंड रूप में पृथ्वी लोक पर होती है और इसलिए इन 9 दिनों में किया हुआ कार्य भी लोगों को शीघ्र फल देने वाला होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे पेड़ों के बारे में जिनकी जड़ आप अपने घर लाकर उसे माता के सामने रखकर उसकी पूजा करके अपने गले में, कमर में अथवा हाथ में धारण करते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कौन से हैं वे पेड़, आपको हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, भारत में पेड़ों को अत्यंत ही पूजनीय माना जाता है। जैसे घरों में तुलसी को अत्यंत ही पूजनीय और श्रद्धापूर्वक देखा जाता है, वहीं पीपल के पेड़ को देवतुल्य समझा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ की पूजा करता है तो उसे अनेकों फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, भारत में अन्य पेड़ों को भी अत्यंत शुभ और पूज्य माना गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में शुभ पेड़ों को लगाता है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा से उस घर में सदैव खुशी का माहौल रहता है। उस घर के लोग सदैव उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों को भगवान का स्वरूप भी माना जाता है, क्योंकि ये हमें अनेक प्रकार के कष्टों से बचाते हैं। पेड़ों से हमें औषधि भी प्राप्त होती है जो अनेक रोगों में हमारी सहायता करती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उन 5 पेड़ों के बारे में जिनके चमत्कारिक गुण आपको अनेक प्रकार से सुखी बना सकते हैं, आपके जीवन में चल रही अनेक प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं और आपका जीवन सुखमय बना सकते हैं। आपका, आपके परिवार में जो जीवन है वह सुखमय बना सकते हैं। कौन से हैं वे पेड़ पौधे? दोस्तों, भारतीय शास्त्र यह कहता है कि अनेक पेड़ पौधे बहुत ही शुभ और चमत्कारिक होते हैं। अगर हम उन्हें शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में अपने घर लेकर आते हैं तो वे अपने शुभ प्रभाव से हमारे जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, नवरात्रि ऐसा ही एक शुभ मुहूर्त होता है, इसलिए नवरात्रि के किसी भी दिन आप इन 5 पौधों के जड़ को अपने घर में लाकर उसे धोकर अपने मंदिर में स्थापित करें और देवी की मूर्ति के सामने स्थापित करने के बाद उसे धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर विनती करें कि वह अपने समस्त चमत्कारिक रूपों से, समस्त चमत्कारिक गुणों के साथ आपकी सहायता करे और माता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो। दोस्तों, नवरात्रि में माता का आशीर्वाद व्यक्तियों को शीघ्र ही प्राप्त होता है। इस प्रकार आपकी वह जड़ सिद्ध हो जाएगी और वह सिद्ध जड़ आप अपनी एक चांदी के लॉकेट या तावीज में रखकर आप अपने गले में धारण कीजिए। अगर चांदी का नहीं है तो आप तांबे का उपयोग कर सकते हैं। अगर तांबा भी नहीं है तो आप किसी वस्त्र के टुकड़े का उपयोग भी कर सकते हैं। इसको आप तावीज बनाकर अपने गले में, अपने हाथ में अथवा अपनी कमर पर बांध सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि माता रानी की कृपा से वह जड़ आपको
अनेक समस्याओं से छुटकारा देने वाली बन जाएगी, क्योंकि यह उसके औषधीय गुण तो होते ही हैं, इसके अतिरिक्त उसमें मौजूद दैवीय गुण भी आप पर पूर्ण रूप से कृपा करने लगेंगे। वह जड़ अपने पूर्ण दैवीय रूप से आपकी सहायता करेगी, क्योंकि नवरात्रि का यह शुभ पर्व होता ही ऐसा है, जब माता रानी की कृपा सभी व्यक्तियों पर बड़ी ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, कौन से हैं वे पांच पेड़ पौधे जो हमें अपने घर इस नवरात्रि लेकर आने चाहिए, जिससे हम अपने घर में समस्त प्रकार की परेशानियों का नाश कर सकें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि माता रानी की कृपा से ही ये पेड़ पौधे आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों को दूर करने वाले हैं। साथ ही वैसे तो ये हमारे अनेक धर्म ग्रंथों में वर्णित है, परंतु समय की कमी के कारण व्यक्ति उन्हें पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम आप तक इन जानकारियों को लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर आप माने तो मंदिर में उपस्थित मूर्ति भगवान की है, और अगर नहीं माने तो वह सिर्फ पत्थर है, इसलिए आपको विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह आपके विवेक पर उपस्थित है। दोस्तों, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको सफलता मिलती है, नहीं करते तो वह जानकारी भी आपके लिए एक रद्दी के समान ही है। दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम उन पांच पौधों के नाम, जिनकी जड़ आप अपने घर लाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। नंबर एक, चमेली। दोस्तों, चमेली एक चमत्कारिक पौधा है, इस पर फूल लगते हैं वे सुगंधित तो होते ही हैं, परंतु इसमें चमत्कारिक और औषधीय गुण भी होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हनुमान जी को चमेली के तेल में चोला चढ़ाया जाता है, इसके अतिरिक्त माता लक्ष्मी को भी चमेली अत्यंत। दोस्तों, जब आप हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों को अथवा किसी बाहरी या ऊपरी ऐसी शक्ति से आप परेशान हैं जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, या आप पर नवग्रह की कृपा नहीं है, नवग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, आप राहु से पीड़ित हैं, आप केतु से पीड़ित हैं, आप शनि से पीड़ित हैं, तो आपको हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक अथवा चमेली के तेल में सिंदूर चढ़ाकर, चोला चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। वहीं दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन चमेली की जड़ अपने घर लाकर उसे धोकर माता रानी के सामने रखकर इन नौ दिनों उन्हें रखी रहने दीजिए, अथवा जब भी आप लाएं तब से लेकर नवमी तिथि तक आप उसे उस मंदिर में रखी रहने दीजिए और रोज़ उसकी पूजा कीजिए। दसवीं तिथि को आप उस जड़ को अपने किसी तावीज बनाकर अपने हाथ, गले अथवा कमर में बांध लीजिए, आपके जीवन में चल रही इस प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी माता को भी चमेली प्रिय है, इसलिए लक्ष्मी से संबंधित समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, वहीं अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो वह बीमारी भी आपकी शीघ्र समाप्त हो जाएगी। नंबर दो, दोस्तों, अगला पौधा होता है लटजीरा, जिसे हम अपमार्ग भी कहते हैं या चिरचिटा भी कहते हैं। दोस्तों, इस पौधे की जड़ को नवरात्रि में अपने घर लाकर उसे धोकर माता के सामने स्थापित करके उसकी धूप दीप से पूजा करने के बाद दसवीं तिथि को जब आप इसे धारण करेंगे तो यह जड़ अत्यंत ही चमत्कारिक बन जाती है, और यह आपके लिए शत्रु नाशक का कार्य भी करती है। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि आपका आकर्षण बढ़े, लोग आपकी बात को सुने, तो भी आप इसे धारण कीजिए, इससे लोग आपकी बात को आकर्षित होकर सुनते हैं। वहीं नौ ग्रह भी आपको परेशान नहीं करते, और एक प्रकार से एक वशीकरण की शक्ति आपके अंदर स्थापित हो जाती है। नंबर तीन, बरगद। दोस्तों, भारतीय हिंदू शास्त्र में बरगद को अत्यंत ही पूजनीय समझा जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बरगद की पूजा करने से व्यक्ति को
सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों इस नवरात्रि अगर आप बरगद की पूजा करते हैं तो उसकी जड़ को आप अपने घर लाकर माता रानी के सामने स्थापित करें और 9 दिन तक उसकी पूजा करने के बाद 10वीं तिथि को आप उसे धारण करें। इससे आप व्यापार में उन्नति पाएंगे। जिस प्रकार बरगद की अनेक शाखाएँ होती हैं, अनेक जड़ें अपने आप निकल कर फैलती रहती हैं, उसी प्रकार आपका व्यापार अथवा नौकरी फलती फूलती जाएगी। 4, सफ़ेद मदार की जड़। दोस्तों सफ़ेद मदार को अत्यंत ही शुभ पौधा समझा जाता है। महादेव को यह अत्यंत प्रिय है। वहीं यह कहा जाता है कि सफ़ेद मदार अगर 11 वर्ष तक लगा रहता है तो उसमें गणेश जी की मूर्ति उभरने लगती है। इसलिए गणेश जी की कृपा पाने के लिए, रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, शुभ लाभ पाने के लिए आप मदार की जड़ को नवरात्रि के किसी भी दिन अपने घर ले आएँ और घर लाने के बाद उसे पूजा घर में स्थापित करके माता की आरती के साथ उसका पूजन भी करें, जिससे भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त होगी और यह जड़ आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों का समाप्त कर देंगी। 5, अपराजिता की जड़। दोस्तों अपराजिता माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। अपराजिता से माता लक्ष्मी की पूजा करने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है तो आप अपराजिता की जड़ को घर लाकर उसका पूजन अवश्य करें और 10वीं तिथि को अपराजिता की जड़ अपने शरीर पर धारण करें। इससे लक्ष्मी अगर आपसे रूठी हुई भी हैं तो वे आपसे शीघ्र प्रसन्न होंगी और आपको धन लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों ये हैं वे 5 पौधे जिनकी जड़ों को अगर आप एक नवरात्रि के किसी भी दिन अपने घर लाकर उसका पूजन करने के बाद 10वीं तिथि को धारण करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम जय माता दी अवश्य लिखिए। धन्यवाद।